नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे प्रश्नोत्तरी, किससे संबंधित, शब्दों से संबंधित। तो आज की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। अपन इस क्लास में देखने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक को। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं ये? देखिए, एक वाक्य न होकर वाक्य का अंश होता है। जैसे अपन कहते हैं कि जानने की इच्छा रखने वाला। अब ये पूरा वाक्य तो नहीं है, परंतु वाक्यांश है। तो उस वाक्यांश के लिए, उस पूरे के पूरे उतने शब्दों के लिए एक शब्द काम में लिया जा सकता है। तो वहां पर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा शब्द एक होता है जो यहाँ पर काम में लिया जा सके। तो जब मैंने यहाँ पर बताया कि भाई जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो इतना बड़ा वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द कौन सा हो गया? जिज्ञासु हो गया। और उसी प्रकार से जानने की इच्छा की यदि अपन बात करें तो जानने की इच्छा क्या कहलाती है? तो वो जिज्ञासा कहलाती है। तो ये सब शब्द क्या कहलाते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि भी अपन इस क्लास में प्रश्नोत्तरी को लेकर चल रहे हैं, और प्रश्नोत्तरी जो है सामान्यतः शब्दों से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। सबसे पहले अपनों ने पर्याय शब्द देखे, विलोम देखे, उसके बाद शब्द युग्म देखे, और अब अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्न अपने सामने ये है कि निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ये प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न में विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए चार विकल्प होंगे। और प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, सही विकल्प का चयन भी प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर सही यानी तीन गलत विकल्प हो, उसमें से एक सही का चुनाव हो। और यदि गलत पूछा गया तो इसमें तीन सही होंगे और उसके बाद एक गलत होगा। ऐ विकल्प है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अब यदि अपन बात करें पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, तो ये कहलाती है आधित्य का। दूसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए गजट में प्रकाशित सूचना होती है उसको परिपत्र कहते हैं। उसके बाद तीसरा विकल्प अपने सामने है वह कथा जो मूल कथा में आए उसे कहेंगे अंतरकथा। और उसके बाद चार नंबर विकल्प हमारा यहाँ पर रह जाता है, तो यहाँ पर अपन चार नंबर विकल्प को भी ले लेंगे। तो चौथा विकल्प अपने सामने कौन सा है? दै विकल्प। देखिए वह जिसका दूसरे से संबंध नहीं हो, दूसरे से संबंध न हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? उसे ये चार विकल्प है, तीन तो यहां पर लिखे हुए हैं, एक ये विकल्प लिखा हुआ है। जल्दी से आप ध्यान से वाक्य को पढ़िए, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, और उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहां पर जो सही विकल्प है वो कौन सा माना जाएगा?
यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका ही कहलाती है, जबकि पहाड़ के नीचे की समतल भूमि की बात करें तो वो उपत्यका कहलाती है। गजट में प्रकाशित सूचना यहाँ पर ये विकल्प है वो गलत है, तो हमारा सही उत्तर ये मान लिया जाएगा। गजट में प्रकाशित जो सूचना होती है उसे अधिसूचना कहते हैं, ये पत्र का एक प्रकार माना जाता है, तो इसलिए यह हमारा सही विकल्प। वह कथा जो मूल कथा के बीच में आए अंतर कथा। अब अंतर कथा जो है वो संधि में अंतः कथा, अंदर की कथा को ही लिया जाता है। इसी प्रकार से वह जिसका दूसरे से संबंध नहीं हो वह क्या कहलाता है, अनन्य, यानी जिसके जिसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं हो। तो जल्दी से यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए आगे अपन बात करें, अगले प्रश्न की, तो प्रश्न उसी प्रकार से है। अपना उद्देश्य इस क्लास में एकमात्र यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने यहां पर शब्द क्लियर करें। तो प्रश्न वही रहेगा कि निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प का चयन करना है, प्रश्न अपने सामने वही रहेगा, विकल्प अपने सामने बदलते जाएंगे ताकि अपन यहां पर ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पढ़ते जाएं। तो पहला है पलकों को बिना गिराए तो एनिमेश कहलाता है। उसके बाद दूसरे विकल्प की बात करें तो देखिए वह जिसका वर्णन न किया जाए तो अव्याख्या, उसके साथ ही तीसरे विकल्प की यदि बात करें तो वह जिसे रोका न जा सके अनिरुद्ध, और अंतिम विकल्प यहां पर आपके सामने है, चौथा है वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही है जिसे जनश्रुति कहते हैं। तो ये लीजिए चार विकल्प आपके सामने हैं, अच्छे से आप पढ़िए, उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहां पर इस प्रश्न की यदि बात करें तो पलकों को बिना गिराए यानी एनिमेश देखता हो, निर्निमेश भी हो सकता है, एनिमेश भी हो सकता है, तो जो बिना पलक झपकाए बिना पलकों को गिराए देख रहा हो उसको एनिमेश कहा जाता है, यानी ये तो सही है, तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। वह जिसका वर्णन न किया जाए वो अनिर्वचनीय होता है, अनिर्वचनीय होता है, तो इसलिए यह अव्याख्या गलत है, तो इसलिए हमारा सही विकल्प है ये मान लिया जाएगा। वह जिसे रोका न जा सके वो अनिरुद्ध ही होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, अनिरुद्ध, रुद्ध जिसको नहीं किया जाए या रोका जिसे नहीं जाए। वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही है, देखिए वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही है उसे अनुश्रुति कहते हैं, जन श्रुति लोक में सुनी सुनाई बात को कहते हैं। सामान्यतः
देखिए जनश्रुति और अनुश्रुति एक ही चीज होती है पर्याय शब्दों की दृष्टि से यदि देखें, परंतु फिर भी वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही है पूछ ले तो उसमें अनुश्रुति ज्यादा सही माना जाएगा बजाय जनश्रुति के। और लोक में या जन में प्रचलित जो श्रुति होती है या जो बात होती है वो जनश्रुति कहलाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं आगे आगे विकल्पों की। मैंने आपको बताया कि प्रश्न यही रहेगा और विकल्प चलते रहेंगे ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा शब्दों को और ज्यादा से ज्यादा वाक्यों को क्लियर यहाँ पर कर सकें। तो यहाँ पर अपने सामने प्रश्न है, विकल्प है। विकल्प ये है कि वह जिसके लक्षण आदि बताए न जा सके, तो जिसके लक्षण आदि नहीं बताए जा सके अनिर्वचनीय। दूसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए जो व्यर्थ खर्चा करता हो अपव्ययी। तीसरे की बात करें तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान और यहां पर यदि अपन अंतिम विकल्प की बात करें तो अंतिम विकल्प यहां पर होगा वह जिसकी पहले आशा न की गई हो। तो आशित ये लीजिए, ये चार विकल्प आपके सामने हैं। ध्यान से पढ़ेंगे और फिर सही विकल्प का चयन करेंगे कि कौन सा यहां पर सही माना जा सकता है। तो यहां पर देखिए वह लक्षण जिसके लक्षण आदि बताए न जा सके, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सके तो वो तो अवर्णनीय अनिर्वचनीय हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि जो व्यर्थ खर्चा करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं और जो बहुत कम खर्चा करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान ही होती है, तो यहाँ पर यह भी सही है। और उसके बाद अगर बात करें कि वह जिसकी पहले आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, तो इसलिए यह यहाँ पर गलत हो जाता है और इसलिए यह हमारा सही विकल्प हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगला जो विकल्प है वो ये है अगले प्रश्न के जो विकल्प हैं वो है वह कारण जिसे टाला न जा सके अपरिहार्य कहा जाएगा। उसके बाद अगले विकल्प की बात करें तो वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियोग। और तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें
तो यहां पर हो जाएगा कि अपनी ही हत्या करने वाला, अपनी ही हत्या करने वाला आत्महंता हो जाएगा। और अंतिम यानी चतुर्थ विकल्प की बात करें तो वहां पर शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, ये लीजिए चार विकल्प है। ध्यान से चारों विकल्प को पढ़िए और उसके बाद चारों के जवाब दीजिए। देखिए यहां पर अपन बात कर रहे हैं चार विकल्पों की, तो वह जिसे टाला नहीं जा सके वो अपरिहार्य होता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा इस प्रश्न का विकल्प नहीं है। ठीक है, वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो, मुकदमे को अभियोग कहते हैं जिस पर अभियोग चलाया जाए, परंतु जिस पर चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं, तो इसलिए ये गलत होने के कारण हमारा सही विकल्प मान लिया जाएगा। अपनी ही हत्या करने वाला आत्महंता होता है, साथ साथ कहीं पर इसके लिए आत्मघाती शब्द भी आता है, तो दोनों ही सही यहाँ पर मान लिए जाएंगे। उसके बाद जल्दी प्रसन्न होने वाला या शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहा जाता है। कभी कभार आपने एक शब्द सुना होगा आशुभाषण, यानी तुरंत टॉपिक देके तुरंत भाषण करवाया जाता है, तो उसे आशुभाषण कहते हैं। तो आशु का मतलब होता है शीघ्र, तो आशुतोष, तोष का मतलब होता है प्रसन्नता या शांति, तो जल्दी प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाया जाएगा। और यहाँ पर भगवान शिव आशुतोष कहलाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले शब्दों की। देखिए आगे आपके सामने कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, सभी के सभी बोर्ड की परीक्षा से, सॉरी बोर्ड की पुस्तक से उदाहरण लिए जा रहे हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण उदाहरण आपके लिए यहाँ पर लिए गए हैं। और कोशिश भी ये है कि इस क्लास में कम समय में ज्यादा से ज्यादा शब्द आपको क्लियर करवाए जाए, और साथ साथ ये भी रहे कि भी समझ में भी चीजें आती रहे। पर्वत के नीचे की भूमि, पर्वत के नीचे की भूमि, आदित्य का दूसरे विकल्प की यदि अपन बात करते हैं तो वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, कूपमंडूक, बाह्य ज्ञान से अनभिज्ञ उसे कूपमंडूक, वह जो कीटाणुओं को मारे, वह जो कीटाणुओं को मारे क्रिमिक्न, और अंतिम विकल्प आपके सामने है वह रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो, तो कौन सी रचना कहलाएगी, चंपू कहलाएगी। जल्दी से प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए कि कौन सा यहाँ पर सही विकल्प माना जाएगा। आपको मैं बता देती हूँ कि पर्वत के नीचे की भूमि उपत्यका कहलाती है, अभी मैंने इस प्रश्न के बारे में बताया था। पर्वत के ऊपर की भूमि आदित्यका और नीचे की भूमि उपत्यका, यही गलत है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, है हो जाएगा वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, कूपमंडूक कि उसको बाहर का कुछ पता ही नहीं है, कुएं का मेंढक है वो, अर्थात उसका सीमित ज्ञान है।
वह जो कीटाणुओं को मारे वो कृमिघन होता है, वह रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो उसे चंपू कहते हैं, और चंपू भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आगे अपन देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इसमें विकल्प कुछ इस तरीके से हैं। जो पहला विकल्प है वह है, वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार न हो। याद रखना किसकी बात की गई है, चर्चा की बातें की गई है। चर्चा कह सकते हैं, अपन कथा कह सकते हैं, जिस वह जिसमें बाण रखे जाते हों। तर्कश, तीसरे विकल्प की यदि अपन यहां पर बात करें तो तीसरा विकल्प यहां पर है वह जिससे पार पाना कठिन हो, दुस्तर। और अंतिम विकल्प की यदि अपन यहां पर बात करें वह जिसका अभी जन्म हुआ हो, बालक। ये लीजिए, यहां पर चार विकल्प है। अच्छे से विकल्प को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा विकल्प यहां पर सही माना जाएगा। देखिए, इसमें यदि अपन बात करें तो वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं हो और जन समूह में प्रचलन में हो उसको जनश्रुति ही कहते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये तो हमारा विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि ये सही विकल्प है। उसके बाद वह जिसमें बाण रखे जाते हों, तो बाण तर्कश में ही रखे जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी हमारा विकल्प नहीं है। वह जिससे पार पाना कठिन हो, तो वह दुष्कर कार्य होता ही होता है। वह जिसका अभी जन्म हुआ हो, जिसका अभी जन्म हुआ है उसे अपन नवजात शिशु कहते हैं, तो वह नवजात होता है न कि बालक होता है। तो इसलिए यहाँ पर यह है हमारा सही विकल्प मान लिया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले विकल्प की। अगले विकल्पों की यदि अपन बात करें तो इस प्रश्न में अगला विकल्प है वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, उसे क्या कहेंगे। प्रत्युत्पन्न मति, उसके बाद वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषाविद। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए, वह जो खुले हाथ से दान करे,
दानी और अंतिम विकल्प की यदि अपन बात करें चतुर्थ विकल्प की, तो वह जो वर्णन से परे हो, वर्णनातीत। ये लीजिए, चार विकल्प आपके सामने हैं, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प यहां पर सही माना जाएगा? देखिए, यहां पर वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। प्रत्युत्पन्न मति यानी कोई भी प्रश्न होता है उसके तुरंत बाद, यानी ठीक बाद जिसके मन में उत्तर उत्पन्न हो जाता है उसे प्रत्युत्पन्न मति। मति का मतलब होता है बुद्धि, कहा जाता है ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा विकल्प सही नहीं हो सकता। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, जिसको भाषा का पूरा ज्ञान हो उसे भाषाविद कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा विकल्प नहीं हो सकता। वह जो खुले हाथ से दान करे, देखिए दान करने वाला दानी होता है, खुले हाथ से दान करने वाला दानी नहीं होता। तो खुले हाथ से दान करने वाला क्या कहलाता है? मुक्त हस्त कहलाता है। मुक्त हस्त से जो दान करता है उसे, खुले हाथ से जो दान करता है उसे मुक्त हस्त कहते हैं। तो ये गलत होने के कारण यह हमारा सही विकल्प हो जाएगा, और वह जो वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे के विकल्प भी इसमें देख लेते हैं। देखिए, अगर कहीं भी किसी को समय नहीं मिल पा रहा हो भाई स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोक कर प्रश्नों को नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपना थोड़ा सा उद्देश्य जल्दी का है, क्योंकि रीट की एग्जाम आ चुकी है और अपनी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा शब्दों को अपन इस क्लास में कर ले। तो पहला विकल्प है शत्रु को मारने वाला, शत्रुघ्न विकल्प हो जाएगा। उसके बाद दूसरे की बात करें तो वह विकल्प है उसी समय घटित होने वाला, तो उसे अपन समकालीन कहते हैं। और तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो एक ही समय से संबंधित हो जाएगा, समयशील। और अंतिम विकल्प की यदि बात करें तो वह जो अपने आप पर निर्भर हो, स्वावलंबी। चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, और उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर यदि अपन बात करें इस प्रश्न की, तो देखिए शत्रु को मारने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। उसी समय घटित होने वाला जो है उसको समकालीन घटना ही कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एक ही समय से संबंधित, तो ये समसामयिक होता है, समसामयिक होता है, तो इसलिए समयशील न होकर समसामयिक होता है, तो यहाँ पर गलत होने के कारण यह हमारा सही विकल्प मान लिया जाएगा। और वह जो अपने आप पर निर्भर हो उसको क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं। तो इसलिए यह हमारा जो सही विकल्प, यानी इस प्रश्न में से हमारा सही विकल्प मान लिया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे।
अगला प्रश्न यहाँ पर या अगले विकल्प यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर अपने सामने विकल्प है, देखिए जो न जानता हो, जो न जानता हो, अज्ञ। दूसरे विकल्प की बात करें तो आशा से कहीं बढ़कर, तो आशातीत हो जाता है। तीसरे विकल्प की बात करें तो देखिए श्रद्धा से जल पीना अर्ध्य हो जाएगा। और अंतिम विकल्प की यदि बात करें तो देखिए जो जो संवारा या साफ किया नहीं गया हो, परिमार्जित। ये लीजिए, ये चार विकल्प हैं आपके सामने। जल्दी से यहां पर सही विकल्प का चयन कीजिए और उसके बाद कौन सा यहां पे सही उत्तर हो सकता है। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो देखिए जो न जानता हो वो अज्ञ ही होता है, अज्ञानी होता है। तो यहाँ पर ये सही विकल्प है तो ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। आशा से कहीं बढ़कर आशातीत होता है और जिसकी आशा नहीं की गई उसे अप्रत्याशित कहते हैं। श्रद्धा से जल पीना, अर्थ तो अपन श्रद्धा से जल समर्पित करते हैं, ये न होकर ये होता है आचमन। तो इसलिए हमारा सही विकल्प सह मान लिया जाएगा और जो संवारा नहीं गया हो उसे अपरिमार्जित ही कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की या अगले विकल्पों की। अगले विकल्पों की यदि बात करें तो यहां पर ए विकल्प आपके सामने है। देखिए जो ऋण ले अधमंड। दूसरा विकल्प आपके सामने है किसी छोटे से, किसी छोटे से प्रसन्न हो उस पर या उसका उपकार करना करना अनुग्रह। और उसके बाद जो अगला विकल्प है किसी के दुख से दुखी होकर उसकी सहायता करना अनुकंपा। और अंतिम विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्या। ये लीजिए चार विकल्प है आपके सामने, अच्छे से उन विकल्पों को देखिए, उसके बाद सही विकल्प का चयन करते हुए और बताइए। देखिए यहां पर यदि अपन बात करें जो ऋण ले वो अधमंड ही होता है तो ये सही है, ये हमारा सही विकल्प नहीं हो सकता। छोटे से प्रसन्न होकर उस पर उपकार करना अनुग्रह होता है और दुखी पर उपकार करना अनुकंपा ही होता है, यानी ये दोनों भी सही है। जो सूर्य भी नहीं देख सके उसे ऐ सूर्यम
पश्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है वो गलत विकल्प होने के कारण यह द विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर मान लिया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए अगले जो विकल्प है वो कौन से आपके सामने हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर अपन कह सकते हैं जो ए विकल्प है आपके सामने ये है कि बार बार बोलना, बार बार बोलना क्या कहलाएगा, अनुलाप कहलाएगा। दूसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए जो जो पासे के खेल में धूर्त हो उसे अक्ष धूर्त कहा जाता है। तीसरे की यदि अपन बात करें तो जिसके पास कुछ नहीं हो उसे उदासीन कहा जाता है। और अंतिम विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए यहां पर जो है वो अति सूक्ष्म परिमाण अणिमा। जल्दी से चारों विकल्प देखते हुए और इनमें सही विकल्प का चयन कीजिए कि कौन सा यहां पर सही विकल्प हो सकता है। तो यदि यहां पर अपन बात करें तो देखिए बार बार बोलना अनुकंप अनुलाप ही होता है, तो ये हमारा सही विकल्प है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं माना जा सकता। जो पासे के खेल में दूर तो उसे अक्ष दूर ही कहा जाता है, जिसके पास कुछ नहीं हो उसे उदासीन न कहकर उसे अकिंचन कहा जाता है, तो इसलिए यह हमारा गलत विकल्प होने के कारण सही उत्तर हो जाएगा। और अति सूक्ष्म परिमाण जो है वो क्या होगा, वो अणिमा ही होगा। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगले विकल्प की ओर, तो यहां पर अपन बात करते हैं। देखिए पहला विकल्प आपके सामने है जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो, अग्रज। वह विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए जिसे जिसे इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, अज्ञ। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए जिसको जिसको जीता न जा सके, जिसको जीता न जा सके वो अजेय। और दै विकल्प है जिसका शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु। और जब यहां पर जगह पड़ी है तो अपन एक विकल्प और देख लेते हैं, जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य
कहा जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से देखते हुए और सही विकल्प का चुनाव करना है, कौन सा सही विकल्प यहाँ पर माना जाएगा। देखिए, यदि अपन इसमें बात करें तो जो पहले जन्मा होता है उसे अग्रज कहते हैं और जो बाद में जन्म लेता है उसे अनुज कहते हैं। जिसे इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। भाई ये गलत विकल्प हो जाएगा। अगोचर, देखिए गो का मतलब इंद्रियां होता है तो इसलिए अगोचर कहा जाएगा, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। जिसको जीता न जा सके वो अजय होता है, जिसका शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, और जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले विकल्प की। तो यहां पर अगले विकल्पों की यदि बात करें तो सबसे पहला विकल्प अपने सामने है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। नवोढ़ा, दूसरा विकल्प आपके सामने है जो अब तक से संबंध रखता हो, अधूना तन हो जाएगा। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो यहां पर देखिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका, ये उंगलियों के प्रकार और चारों दिशाओं के जो नाम है उदेची अवाची प्राची प्रतीची, वो चारों नाम और ये उंगलियों के नाम मध्यमा कनिष्ठिका, ये सारे के सारे नाम आप याद रख कर लेना, महत्वपूर्ण माने जाते हैं कभी। और एक आठों दिशाओं के नाम भी, आठों दिशाओं के नाम है, ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है। तो उत्तर पूर्व से बीच की दिशा कौन सी कहलाती है, पूर्व से पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी कहलाती है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास रहता हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, अंतेवासी। ये लीजिए चार विकल्प हैं, चारों विकल्पों का ध्यान से पढ़ते हुए और जवाब दीजिए, विकल्प का चयन कीजिए और उसके बाद अपन बात करेंगे अगले विकल्पों की। तो यहां पर यदि अपन बात करें सही तो देखिए, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है यही गलत है, वो अध्युडा कहलाती है। देखिए, जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया वो तो अध्युडा, जो नवविवाहित है औरत वो नवोढ़ा, और जिसका विवाह नहीं हुआ है अभी अविवाहित है उसे अनुढ़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर यही सही विकल्प मान लिया जाएगा क्योंकि इसी में गलती है। जो अब तक से संबंध रखता हो उसे अधुनातन कहते हैं, वेरी मोस्ट, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की, कनिष्ठिका सबसे छोटी होती है और मध्यमा जो बीच वाली बड़ी वाली उंगली होती है, तो कनिष्ठिका मध्यमिका और उसके बाद बीच की जो उंगली होती है वो क्या कहलाती है, अनामिका होती है। उसके बाद
ये जो बचती है उंगली वो तर्जनी बन जाती है। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास रहता हो उसे अंतर्वासी कहते हैं। और कोई भी मूल प्रसंग चल रहा है उसके बीच में यदि अपनों ने शॉर्ट एंड स्वीट कोई भी कहानी सुना दी उसको अंतः कथा कहते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। तो देखिए यहां पर अपन बात करते हैं अगले विकल्पों की। तो पहला विकल्प अपने सामने है कि वह, या फिर अपन यूं कहें कि आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना अपरिग्रह, पहला विकल्प आपके सामने आ चुका है। दूसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो जिस वस्त्र को पहना न गया हो अप्रहत। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, लालसा। और उसके बाद अंतिम विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए जिसको लांघा न जा सके अलंघ्य। ये लीजिए चार विकल्प हैं, ध्यान से पढ़ने हैं और ध्यान से पढ़ते हुए जवाब देना है कि किस विकल्प में कौन सा सही विकल्प माना जाएगा। देखिए यदि अपन बात करें तो आवश्यकता से अधिक धन न ग्रहण करना ये अपरिग्रह माना जाता है। जैन धर्म में इस नियम को अपनाया गया है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो वह अप्रहत कहलाता है। और साथ साथ मैं आपको बता देती हूं कि न जोता गया खेत भी अप्रहत कहलाता है। न जोता गया खेत भी अप्रहत कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जो है वो अभिप्सा कहलाती है, अभिप्सा। तो इसलिए यहाँ पर यह गलत होने के कारण यह सही विकल्प माना जाएगा। और जिसको लांघा न जा सके उसे अलंग्य कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की और अगले विकल्पों की। देखिए आगे यदि अपन विकल्प देखें तो यहां पर जो प्रश्न है उसमें वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, प्रदेश से लौटा हो, तो उस स्त्री को क्या कहेंगे? आगत पतिका कहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वह जो जन्म लेते ही मर गया हो या फिर जन्म लेते ही गिर गया हो, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। तो आजन्म पात,
तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए, जो मृत्यु के समीप हो, तो मृत्युंजय अंतिम विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए, वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। ये लीजिए, चार विकल्प है आपके सामने, सही विकल्प का चयन करते हुए जवाब दीजिए कि कौन सा विकल्प यहां पर सही माना जाएगा। देखिए, यहां पर यदि अपन बात करें तो जिसका पति प्रदेश से लौटा है उसे आगत पतिका कहते हैं, और जिसका पति प्रदेश गया हुआ है उसे प्रोषित पतिका नायिका कहते हैं। जन्म लेते ही जो मर जाए या गिर जाए उसके आजन्म पाते ही कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे मृत्युंजय नहीं कहा जाता, उसे आसन्न मृत्यु कहा जाता है। आसन्न मृत्यु क्यों? क्योंकि आसन का मतलब होता है निकट और मृत्यु होती है, यानी वो मृत्यु के आसन है यानी निकट है। मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जैसे भगवान शिव को मृत्युंजय कहा जाता है। तो ये गलत होने के कारण ये हमारा सही विकल्प होगा। वह जिस पर हमला किया गया हो वो आक्रांत ही कहलाता है, तो बिल्कुल सही होने के कारण यह भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं आगे तो अगला जो प्रश्न है या अगले विकल्पों की यदि अपन बात करें तो यहां पर पहला विकल्प कहा जा सकता है। देखिए, जिसे सूंघा जा सके, अग्रेय, जिसे सूंघा जा सके वह क्या कहलाएगा? अग्रेय कहलाएगा। और किन्हीं किन्हीं काल क्रम से किया गया घटनाओं का यथा तथ्य वर्णन इतिवृत्त कहलाता है। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर व पूर्व के बीच की दिशा, तो ईशान, और अंतिम विकल्प चतुर्थ विकल्प द विकल्प आपके सामने है। देखिए, जिसने जिसने अपना पूरा ऋण चुका दिया हो, तो जिसने अपना पूरा ऋण चुका दिया वो क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके साथ साथ एक विकल्प और देख लेते हैं अपन यहां पर। जो इंद्रियों से परे हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। तो जल्दी से इसमें से अच्छे से पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले विकल्पों की। तो देखिए, यदि अपन बात करें इनमें
तो जिसे सूंघा जा सके उसे अग्रेय ही कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो हमारा विकल्प नहीं हो सकता। किन्हीं कालक्रम से किया गया घटनाओं का यथा तथ्य जो वर्णन है वो इतिवृत्त वर्णन ही कहलाता है, तो ये भी हमारा सही माना जाएगा। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान ही कहलाती है, तो ये भी हमारा सही विकल्प होने के कारण हमारा इस प्रश्न का विकल्प नहीं कहा जा सकता। जिसने अपना पूरा ऋण चुका दिया हो वह उऋण हो जाता है, तो ये भी सही विकल्प है। तो जो इंद्रियों से परे हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं, न कि इंद्रजीत कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा यह सही विकल्प हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले विकल्पों की। तो अगले विकल्प कौन से कहे जा सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर पहला विकल्प अपने सामने है जिसे जिसे खरीद लिया गया हो, उसे क्या कहेंगे, और उसके बाद अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल, तीसरा विकल्प अपने सामने है। देखिए जहां जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई दे, क्षितिज। और अंतिम विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधा। तो जल्दी से स्क्रीन जल्दी से प्रश्न को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो अगला प्रश्न या अगले विकल्पों तक पहुंचने से पहले अपन देखते हैं जिसे खरीद लिया गया हो, जिसे मोल ले लिया गया हो उसे क्रीत कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारे प्रश्न का विकल्प ये नहीं हो सकता। अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वह कायल हो जाता है, तो इसलिए ये भी सही विकल्प है। और उसके बाद जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हो उसे भी क्षितिज कहते हैं, और धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। उसके बाद जो भूख मिटाने के लिए आतुर हो, यही गलत होगा, क्यों, क्योंकि जो भूख मिटाने के लिए आतुर होता है उसे क्षुधातुर कहा जाता है, क्षुधातुर कहा जाता है, तो ये गलत होने के कारण यही सही विकल्प मान लिया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले विकल्पों की। तो यहां पर अपन बात करेंगे अगले विकल्पों की, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहला जो विकल्प है यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो केवल दूसरों में दोषों को ही खोजता हो क्या कहलाएगा, छिद्रा नवेशी कहलाएगा। उसके बाद यदि अपन दूसरे विकल्प की बात करें तो एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर
चलने वाला जंगम कहलाएगा। तीसरे विकल्प की यदि बात करें तो देखिए, जो जो गुप्त रूप से निवास करता हो उसे छद्मवासी कहते हैं। और अंतिम विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए, जिंदा रहने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। ये है आपके सामने चार विकल्प, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर यदि अपन बात करते हैं अगले विकल्पों की या इन विकल्पों की, तो जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है, दोषों को ही ढूंढता है, वो चित्रानवेशी ही कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको विशेष तौर से नोट कर लीजिएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने वाला जंगम कहलाता है और इसका विलोम स्थावर हो जाता है, जो महत्वपूर्ण माना जाता है। जो गुप्त रूप से निवास करता हो उसे छद्मवासी कहते हैं। और उसके बाद जिंदा रहने की इच्छा, ये गलत यहां पर हो जाएगा। तो जिंदा रहने की इच्छा जो होती है वो जिजीविषा कहलाती है, जिजीविषा। और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपाशा कहलाती है, और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला ज्ञान पिपासु कहलाता है। जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है। तो इसलिए अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि ये द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र गलत विकल्प यहाँ पर रह जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले विकल्पों की। तो देखिए, अगला विकल्प है वह धन जो सरकार द्वारा किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, कौन सा होता है भी? तकाबी। उसके बाद अगर अपन दूसरे विकल्प की बात करें तो देखिए, तैर कर पार करने की इच्छा जो होती है, तैर कर पार करने की इच्छा तीर्षा कहलाती है। और तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए, बर्तन बनाने वाला यदि अपन देखें, बर्तन बनाने वाला ठठेरा कहलाता है। और अंतिम विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए, जंगल की आग बड़वानल कहलाती है। तो ये है आपके सामने चार विकल्प, जल्दी से विकल्पों का चयन कीजिए, अच्छे से समझिए, और उसके बाद अपन बात करेंगे आगे अगले विकल्प की। तो देखिए यहां पर जो माना जाएगा वह धन जो सरकार द्वारा
किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसको तकाबी ही कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। तैर कर पार करने की इच्छा तितिरसा ही कहलाती है। बर्तन बनाने वाला ठटेरा कहलाता है। जंगल की आग, देखिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जंगल की आग जो है वो दावानल कहलाती है या दावाग्नि कहलाती है। जंगल की आग दावानल या दावाग्नि होती है। समुद्र की आग बड़वानल या बड़वाग्नि होती है। पेट की आग जठराग्नि कहलाती है। तो इस प्रकार से ये जो चार विकल्प है इनमें हमारा जो सही उत्तर है वो द विकल्प मान लिया जाएगा। तो जल्दी से आप यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले शब्दों की। तो देखिए अगले विकल्प में यदि देखें तो यहां पर अपना विकल्प है जो पहला विकल्प है जिसकी कोई इच्छा न हो, निष्प्रिय। दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की यदि अपन बात करें तो देखिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला नैष्ठिक कहलाता है। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए यहां पर श्रेष्ठ गुणों से संपन्न नायक धीर ललित कहलाता है। और अंतिम यदि बात करें तो मछली मारकर जीविका निर्वाह करने वाला धीवर कहलाता है। तो ये है आपके सामने चार विकल्प। अच्छे से इन सभी विकल्पों को देखिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पर देखिए जिसकी कोई इच्छा नहीं हो उसे निष्प्रिय कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्प्रिय जो है वो इच्छा का ही पर्याय मानी जाती है। तो निष्प्रिय है यानी जिसकी कोई इच्छा नहीं हो। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला नैष्ठिक कहलाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया शब्द अपने सामने है। उसके बाद यदि अपन बात करें श्रेष्ठ गुणों वाले नायक की तो देखिए जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न जो नायक होते हैं उनकी यदि अपन बात करें तो वो होते हैं धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक, तो इसलिए हमारा यह सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद श्रेष्ठ गुणों से संपन्न यदि सूरवीर नायक की बात करें तो धीरोदात्त हो जाता है, और अभिमानी नायक की बात करें तो धीरोधत्त हो जाता है, और क्रीड़ा प्रिय यानी प्रेम प्रिय जो नायक होता है उसको धीर ललित कहते हैं, क्योंकि लालित्य का शाब्दिक अर्थ प्रेम से ही लिया जाता है। तो ये है अपने सामने महत्वपूर्ण शब्द। और कौन से शब्द? वाक्यांश के लिए एक शब्द। और उम्मीद करती हूँ कि ये शब्द आपको सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।